ओम्स लॉ का हम लोगों ने पढ़ा था, और उसको मैंने बोला था आपसे कि मैं दोबारा एक बार जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा उसे बताऊंगा। और ओम्स लॉ में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो नया, एकदम नया लॉ है हम लोगों के लिए, और एक नई चीज जिसके बारे में जानना है हम लोगों को वो है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को जानने के लिए हमको ओम्स लॉ जानना जरूरी है। अभी तक बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि रेसिस्टर क्या है सर, रेसिस्टेंस क्या है, तो मैं बताऊंगा। रेसिस्टेंस एक फिनोमेना है और रेसिस्टर एक डिवाइस हो गया एक तरीके से। मतलब जैसे होता ना ईमानदारी और ईमानदार, ईमानदारी क्या है, एक नीति, और ईमानदार कोई एक पर्टिकुलर इंसान हो जाता है या कोई, तो जिसके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है वो हो जाता है ईमानदार। तो उस ढंग से रेसिस्टेंस की क्वालिटी जिस एप्लायंस के अंदर में या जिस डिवाइस के अंदर में होगी उसको रेसिस्टर बोलेंगे। तो आप लोग कंफ्यूजन में ना रहे, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी अच्छे से। फिलहाल ओम्स लॉ, ओम्स लॉ मैं कल बढ़िया से बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको उसको और क्लियरली उसी को दोबारा पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, ध्यान से उसको समझिएगा। सबसे पहला ओम्स लॉ का एप्लीकेशन कब करेंगे, एप्लीकेशन कब होगा, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहली बार ये नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ जो है वो लागू नहीं होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इसके अकॉर्डिंग, अब ये बोलता क्या है, ओम्स लॉ के हिसाब से है क्या, तो ओम्स लॉ के हिसाब से ये है कि करंट जिस भी डिवाइस में फ्लो कर रहा है, करंट जिस भी डिवाइस में फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहां के वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, V को घटाएंगे तो I भी घटेगा। अब यदि I is proportional to V, then V is also proportional to I, हम लोग दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये उसके प्रोपोर्शनल है तो वो भी इसके प्रोपोर्शनल, वाइस वर्सा हो सकता है कन्वर्ट। तो आगे ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, हम लोगों ने पढ़ा था जब नाइन्थ क्लास में, तो आपको बताया गया था कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी होती है तो प्रोपोर्शनलिटी हमको क्या बताता है, बस कंपैरिजन बताता है कि ये इतना टाइम्स बढ़ाएंगे तो ये इतना टाइम्स बढ़ेगा, इसको इतना टाइम्स घटाएंगे तो ये इतना टाइम्स घटेगा। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को ये जानना है कि फॉर्मूला क्या आएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमको एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। कंपैरिजन तो हम जानेंगे कि दो गुना करेंगे तो ये दो गुना, लेकिन कभी वैल्यू पूछ दे, क्योंकि मशीन्स बनाने में हमको वैल्यू की जरूरत पड़ेगी कि इतने का ये, इतने ओम का चाहिए या इतने फैराड का चाहिए, इतना कूलम चाहिए, तो ये सब बातें उनमें आएंगी। तो इसलिए हमको वो जानना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला के लिए हम लोगों को इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए नाइन्थ में मैंने आपको बताया था क्या करना है, क्या करना है बताया गया था कि इक्वल करेंगे, और इक्वल करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट डालेंगे, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, और यहां जब इक्वल मैंने किया तो वहां एक कॉन्स्टेंट डाला आर, वेयर आर इज अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस, कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब चूंकि इसको खोजा था किसने, ओम ने, तो रेसिस्टेंस का यूनिट जो होगा वो होता है ओम, OHM ओम, और इसको सिंबलाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अभी इसके बाद हम लोग यदि यहां से R लिखना चाहें, R इक्वल टू V बाई I। अब आप याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक कि अमीटर में कैसा रेसिस्टेंस लगता है और वोल्ट मीटर में कैसा रेसिस्टेंस लगता है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज क्लियर होगा, ठीक है। वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है, मतलब आर जितना बढ़ेगा उतना भी बढ़ेगा। तो वोल्ट मीटर में हमको ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज नापना होता था, पोटेंशियल डिफरेंस मापना होता था, तो आप ही बताइए इसको हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए था तो ये भी क्या लगाते थे हम, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू का। ये मैंने पहले भी बोला था कि मैं उस समय मैं याद से आपको बताऊंगा और आज मैं बता रहा हूं, ठीक है। और आई की बात करें, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का,
यानी कि जब अमीटर का प्रयोग हम करते हैं, अमीटर का जब यूज करते हैं, तो अमीटर इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा से ज्यादा मेजर हो इसके लिए हमको क्या करना होगा, आई ज्यादा से ज्यादा मेजर हो तो वहां रेसिस्टेंस तो रहेगा ही, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू जितना कम होगा तो आई का मेजरमेंट उतना ही ज्यादा होगा। यही चीज मैंने आपको समय बताया था कि वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस एंड अमीटर हैज वेरी लो रेसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर में रेसिस्टेंस हाई रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को मेजर किया जा सकता है, और अमीटर में जितना कम रखेंगे उतना हमको फायदा है कि अमीटर में हमको करंट मापना, और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के। अब रेसिस्टेंस को हम कम करेंगे जितना, उतना ज्यादा हमको करंट मेजर हो पाएगा। तो इस ढंग से हम लोगों का मेजरमेंट चल रहा था इसमें। तो यहाँ आर, तो यहाँ पर तो एक चीज क्लियर हो गया कि वी इज प्रोपोर्शनल टू आर यहाँ सामने से, और वी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आई, मतलब कि v को 2 टाइम्स करेंगे बढ़ाएंगे तो r भी 2 टाइम्स, v इज प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि v को हम 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो r भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, v को आधा करेंगे घटा के तो r भी आधा होकर घट जाएगा, या r को आधा घटाएंगे तो v को आधा घट, r भी आपकी आधा कम हो जाएगा। अब रेसिस्टेंस i के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब i को यदि 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस आप रूपी 1/2 टाइम्स घट जाएगा, या उल्टा बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस को हाफ करेंगे तो आई जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। आगे आई को यदि हाफ करेंगे घटा देंगे तो रेसिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन वो ये चीजें हैं। एक्चुअली में इसमें रेसिस्टेंस जो है वो क्या काम करता है, तो रेसिस्टेंस करंट को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट। अब वो रुकावट पैदा करता है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें उनमें होती हैं, और जब रेसिस्टेंस इसीलिए हाई करते हैं हम लोग तो करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो आगे हम लोग इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसीलिए शायद मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है क्या सही है कि रेसिस्टेंस का सिंबल ऐसे बनाया गया है, ये एक तरीके से क्या आपको लगता होगा कि हर्डल रेसिंग का फिगर। हर्डल रेसिंग में क्या होता है, आपकी स्पीड कभी भी तेज नहीं हो सकती, आपकी स्पीड कम होगी, तो एक तरीके से सोच सकते हैं कि ये करंट की स्पीड को, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उस ढंग से दौड़ने नहीं देता जिस ढंग से करंट दौड़ रहा है। तो इस ढंग से रेसिस्टेंस का ओम्स लॉ से कनेक्शन है, और ओम्स लॉ में हमारा जो एसआई यूनिट रेसिस्टेंस एक नया चीज पता चला जो कि कॉन्स्टेंट है, और उसकी एसआई यूनिट हम लोगों को क्या पता चली कि वो है ओम, और ओम को सिंबल, ओम का सिंबल ये होता है, ध्यान रखिएगा। रेसिस्टेंस में ही आपको एक आएगा वेरिएबल रेसिस्टेंस, नामी है वेरिएबल मतलब जो चेंज करे, तो जिसका वैल्यू चेंज करता रहे एज पर सिचुएशन। जैसा कि हम लोग स्टेबलाइजर हम लोगों के पास पहले हुआ करता था तो उसमें वो लगा रहता था, और भी बहुत सारी चीजें जहां पर फ्लक्चुएशन को मैनेज करना हो तो उसके लिए वेरिएबल रेसिस्टेंस वहां लगाया जाता है। ये तो यहाँ तक की बात होगी। अगला जो अगली बात जो हम लोगों की अगले क्लास में होगी वो होगी क्या, तो ये जो रेसिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा इसमें रेसिस्टर क्या है और रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी एक्चुअली में है क्या, ये जानेंगे, उसके बाद रेसिस्टर जानेंगे, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टर क्या है, रेसिस्टेंस की क्वालिटी रखने वाला। अब रेसिस्टर फिर क्या चीज पर डिपेंड करता है ये सब आगे हम लोगों को जानना है, ठीक है, फिर इन्हीं रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके बाद फिर रेसिस्टेंस से देखिए ये आज दोबारा पढ़ाने का ही मेरा मकसद था कि आप रेसिस्टेंस वर्ड से पूरी तरह से परिचित हो जाइए, क्योंकि आगे के जितने टॉपिक्स आने वाले हैं, जितना टॉपिक आएगा आगे उसमें कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि इससे कनेक्टेड नहीं हो शायद, तो इसलिए हम लोग को रेसिस्टेंस जानना बहुत ही आवश्यक है। एकदम आप क्लियर कट समझ लीजिए रेसिस्टेंस को, इसलिए मैंने आपको दोबारा बताया, ठीक है। यदि हम लोग बात करें 1 ओम रेसिस्टेंस की, क्योंकि हम लोग हर समय वो 1 को डिफाइन करते हैं, तो 1 ओम रेसिस्टेंस की बात करें तो R इक्वल टू V बाई I, तो यानी 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, यानी कि यदि कोई रेसिस्टर, यदि कोई डिवाइस है या यदि कोई वायर है या कुछ भी,
इलेक्ट्रिक कंडक्टर और उससे 1 एम्पियर करंट और उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है, तो उस डिवाइस का या उस रेसिस्टर का या उस वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। यानी कि 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इन विच करंट 1 ओम 1 एम्पियर इज फ्लोइंग, वेर एज वेर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कनेक्टेड। ठीक है, जहां पे 1 वोल्ट कनेक्टेड है और उससे करंट भी 1 एम्पियर ही पास कर पा रहा है, तो वो जो हमारा डिवाइस है या वो रेसिस्टेंस है या वो वायर है, तो उसके उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। तो बात फिर मैं एक बार कंफर्म कर दूं, रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। क्या है ये? एक प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को रखने वाले को क्या कहते हैं? रेसिस्टर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। रेसिस्टेंस के आधार पर भी हम लोग सब्सटेंसेस को बांटेंगे 3 तरह से। जिसमें सबसे कम रेसिस्टेंस होगा उसको कंडक्टर बोलेंगे, जिसमें रेसिस्टेंस होगा उसको रेसिस्टर बोलेंगे, और जिसमें इनफाइनाइटली हाई रेसिस्टेंस मतलब जो एकदम करंट को रोक ही देता है, चलने ही नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो रेसिस्टेंस के भी आधार पर डेफिनेशन चलेगा लास्ट में, चैप्टर के अंत में या आगे आने वाले समय में हम लोग उसको जानेंगे। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में आप लोग इसको पूरे अच्छे से पढ़ के रखिएगा और इससे रिलेटेड जो आगे मैटर है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।